हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अलाइजब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और देखेंगे कहाँ पे एंट्री कर सकता है। तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेंज में मैंने ड्रॉ किया था, ऑलरेडी वो रेंज में ही है। आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल शेप का रेंज में चल रहा है बैंक निफ्टी अभी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी एक ट्राइंगल शेप में चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगा यहाँ एक अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया लोअर पॉइंट, तो मुझे लगा ये मार्केट 25,800 तक आ सकता है 2-3 दिन में। अगर इसको ब्रेकआउट नहीं किया तो फिर से ये हायर पॉइंट जैसे 27,400 के आसपास जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम 15 मिनट में, अगर 15 मिनट छोटा टाइम पे जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी एक रेंज में चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे और एक हमें रेंज मिला हुआ है, मैं इसका 20 में जैसे मैं थ्रो कर देता हूँ, तो ये एक रेंज में चल रहा है, राइट। तो अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशन लिया, राइट, तो एक रेंज में आप देख सकते हैं, राइट, यहाँ से। तो किसी ने अगर पोजीशन यहाँ पे सेल पोजीशन लेना, मतलब पुट ऑप्शन बाय करना, थोड़ा रिस्क हो सकता है क्योंकि यहाँ से फ्यूचर मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स कर सकते हैं, राइट, अराउंड 27,600। और पुट ऑप्शन को बाय करने के लिए अगर ये मार्केट आपको नीचे मिले, जैसे 26,600 का नीचे मिल गया, तो यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा रिस्क हो सकता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग जोन है, क्योंकि ये मार्केट अभी भी सपोर्टिंग जोन का ऊपर में चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अगर बाय करेंगे, सॉरी पुट ऑप्शन बाय करेंगे, तो मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है, राइट। और अगर पुट ऑप्शन बाय करना है तो इसका नीचे जैसे 26,600 का नीचे ही आपको बाय करना है। अगर कॉल ऑप्शन आपने बाय किया तो आपको 27,100 का आसपास आप निकल जाना चाहिए, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।